बीकानेर में एक शादी समारोह में उस वक्त रंग में भंग पड़ गया जब एक चोर दूल्हे के पिता का बैग पार करके ले गया जिसमें 6.5 लाख रुपए थे। यह घटना कैमरे में कैद हो गई लेकिन शातिर अभी पकड़ से बाहर है। बीकानेर निवासी राजेंद्र सिंह तंवर की बेटी की रविवार को शगुन पैलेस में शादी थी। दूल्हा दुल्हन स्टेज पर बैठे थे, आशीर्वाद कार्यक्रम चल रहा था। इसी दौरान बेटी को आशीर्वाद देने के लिए राजेंद्र सिंह स्टेज पर गए। उन्होंने कंधे पर लटका बैग किनारे पर रख दिया। बैग में 6,50,000 रुपए थे। उनका मुंह स्टेज की तरफ था, तभी एक चोर पीछे से आया। बड़ी ही चतुराई से उसने रुपयों से भरा बैग उठाया और वहां से चंपत हो गया। चोर के बैग पार करने के कुछ ही मिनट में राजेंद्र सिंह पीछे मुड़े तो देखा तो उनका बैग वहां नहीं था। उन्होंने इधर उधर भी तलाश किया लेकिन बैग नहीं मिला। थोड़ी देर में सभी लोग बैग तलाशने लगे लेकिन बैग नहीं मिल पाया। बैग चोरी होने की सूचना पुलिस को दे दी गई। पुलिस ने शादी का वीडियो देखा तो उसमें बैग चोरी का राज खुल गया। चोर ने नीले रंग के कपड़े पहने हुए थे, वह काफी चतुराई से बैग उड़ा कर ले गया। पुलिस के अनुसार चोरी करने वाले युवक को यह जानकारी पहले से थी कि बैग में पैसे हैं। हालांकि शादी में आए लोगों में से किसी ने भी उसे नहीं पहचाना। पुलिस जांच में जुटी है।